हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ सौरभ और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ इंग्लिश फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का फर्स्ट चैप्टर अ ट्रिप ऑफ सर्जरी। ये एक छोटे से डॉग ट्रिकी की कहानी है। तो देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पर। ट्रिकी अ स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड एंड ओवर फेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। अब एक छोटा सा डॉग है जिसका नाम है ट्रिकी, उसे पैम्पर्ड किया जाता है यानी कि बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है उसे, एंड ओवर फेड यानी कि उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा खाना भी दिया जाता है। और किसके द्वारा दिया जाता है? ये उसकी रिच मिस्ट्रेस द्वारा, यानी कि जो उसकी अमीर सी जो केयर टेकर हैं या जिसके पास वो रहता है ट्रिकी। ही फॉल्स सीरियसली इल, एक बार वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है, एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स अ वेटनरी सर्जन। तो उसके बाद क्या होता है, उसकी मिस्ट्रेस जो होती हैं जो उसको पालती हैं वो उसे एक सर्जन के पास लेके जाती हैं, डॉग्स के सर्जन के पास। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, तो वो सर्जन क्या कोई ऑपरेशन करता है? डज द डॉग रिकवर, और क्या डॉग रिकवर हो जाता है? तो चलिए जानने के लिए पढ़ते हैं अब चैप्टर के बारे में, या चैप्टर को पढ़ते हैं। सो आई वॉज रियली वरीड, अब ये स्टोरी जो है वो नरेट कर रहा है, यहाँ पर जो डॉक्टर दिखाया गया वही नरेट कर रहा है। सो आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. अब नरेटर यहाँ पर कह रहा है कि मैं बहुत ही वरीड हो गया था, चिंतित हो गया था ट्रिकी को इस बार देखकर, यानी कि उस डॉग को इस बार देखकर। मैं जैसे ही अपनी कार से उतरा था तो मैंने देखा कि गली में ट्रिकी जो है अपनी मिस्ट्रेस के साथ आ रहा है, और उसकी अपीयरेंस को देखकर यानी कि उसको आता हुआ देखकर मैं बहुत ही अचंभित सा हो गया, एकदम से आश्चर्यचकित हो गया। डॉक्टर ये बात बोल रहा है, ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फैट आ चुका था, उसमें फूल चुका था, लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज विद अ लेग ऑफ ईच एट ईच कॉर्नर। अब सॉसेज क्या होता है? सॉसेज का एक्चुअल मीनिंग होता है एक पिग जिसे आप सुअर बोलते हैं। तो सुअर का जो मीट होता है फूला हुआ, उसे सॉसेज बोला जाता है। तो जैसे फूला हुआ सा मीट होता है सुअर का, उस तरह से वो एकदम से फूल चुका था डॉग ट्रिकी, और उसकी चारों टांगें ही दिख रही थी, इतना ज़्यादा वो फूला हुआ लग रहा था। हिज आईज ब्लड शॉट एंड र्यूमरी, अब उसकी आईज थी जो आंखें थी वो एकदम से लाल लाल हुई पड़ी थी, जैसे खून की आंखें हों। और र्यूमी क्या होता है? इफ़ समन हैज़ र्यूमी आईज, यानी कि जिसकी आंखें र्यूमी होती हैं, देयर आईज आर रेड एंड वाटरी, यानी कि उनकी आंखों में से पानी आता रहता है और उनकी आंखें लाल रहती हैं ज़्यादातर, यूजुअली बिकॉज दे आर वेरी इल और ओल्ड। और ऐसा क्यों होता है, लाल हमारी आंखें क्यों रहती हैं या पानी उनमें ज़्यादा क्यों आता है? या तो हम ज़्यादा बीमार होते हैं या ज़्यादा बुजुर्ग हो चुके होते हैं, तभी ऐसा होता है। Now his eyes bloodshot and dreamy stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. अब वो एकदम से उसकी आंखें लाल थी, वो सीधा घूर रहा था सामने की तरफ, और उसकी जो जीभ थी वो लटक रही थी उसके जबड़े से बाहर की तरफ। ये बताया गया हमें ट्रिकी का ये इंट्रोडक्शन दिया गया यहाँ पर कि स्टार्टिंग में वो कैसा दिख रहा था। सो मिसेज पम्फ्री हैस्टर टू एक्सप्लेन, अब मिसेज पम्फ्री एकदम से तेजी में हड़बड़ाते हुए आती हैं बताने के लिए, ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट, तो वो कहती है कि बहुत लिस्टलेस हो चुका है, यानी कि बहुत मेरे बाहर हो चुका है मेरे आपे से मिस्टर हैरिट। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, इसमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रही है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, और यहाँ पर ये क्या कहती है, ये माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है, यानी कि इसमें फूड की कमी हो गई है, ये बात बोल रही है उसकी मिस्ट्रेस, डॉग की मिस्ट्रेस। सो आई हैव बिन गिविंग हिम सम एक्स्ट्रा लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, सम माल्ट एंड कोल्ड लिवर oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep, nothing much really. तो अब ये उसकी मिस्ट्रेस है जो ट्रिकी की, वो कहती है कि मुझे लगता है कि ये थोड़ा कमज़ोर हो गया है, इसलिए मैं इसे कुछ और खाने को देती रहती हूँ, कुछ ना कुछ, जैसे कोल्ड लिवर ऑयल हो गया, माल्ट हो गया। माल्ट क्या होता है? ग्रेन, एक तरह का ग्रेन होता है जो कि यूज़ किया जाता है बियर या विस्की बनाने के लिए। कोल्ड लिवर ऑयल क्या होता है? एन ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम द लिवर्स ऑफ कॉड एंड सिमिलर फिशेज, यानी कि फिशेज वगैरह का जो तेल होता है उसे हम ज़्यादातर बोलते हैं कॉड लिवर ऑयल। तो ये सारी चीज़ें देती हैं, और हॉर्लिक्स का बाउल भी रात को भरकर देती हैं, तो कुछ ज़्यादा नहीं देती हूँ। ये बात कौन बोल रही है? मिस्ट्रेस बोल रही है। सो एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, अब डॉक्टर पूछता है, और मैंने आपको बोला था कि इसकी जो मीठे खाने की चीज़ें हैं उसमें कमी कीजिए। ओ आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रीलेंट, अब वो आगे बोलती है कि मैंने शुरू तो किया था लेकिन बाद में ये मेरे को कमज़ोर लगने लगा तो मुझे इसे रीलेंट करना पड़ा, यानी कि थोड़ा सा नरम पड़ना पड़ा इसके लिए, और मैं इसे देने लगी वापस से स्वीट्स।
ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट, सो क्योंकि इसे क्रीम केक भी बहुत पसंद है, चॉकलेट भी बहुत पसंद है, आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम, इसलिए मैं उसे मना नहीं कर पाती। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, तो अब डॉक्टर बोलता है कि मैंने फिर से उस छोटे से डॉग को देखा। दैट वॉज द ट्रबल, ट्रिक इज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, और वो कहता है कि उसकी मतलब एक ही दिक्कत थी कि उसे भूख बहुत ज़्यादा लगने लग गई थी। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, क्योंकि अब उसे रेगुलर खाना दिया जाता था तो उसे मना करने की भी आदत नहीं रही। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, अब उसे पूरे दिन के किसी भी घंटे में चाहे खाना दे दो चाहे दिन हो रात हो वो मना नहीं करेगा। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पम्फ्री हैडन मेंशनड, और अभी तो मिसेस पम्फ्री ने सारी चीज़ें बताई भी नहीं है जिनको लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो चुका हूँ। ये बात डॉक्टर बोल रहे हैं हमें, जो कि नरेटर भी हैं। वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, बट हॉकिंग द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विद हमगो, सो देयर हैज़ बीन नो राइट नो रिंग थ्रोइंग लेटली। अब ये बोलते हैं कि जैसे कि आपने देखा अभी तो ये मेरे साथ आया थोड़ा बहुत चलकर, लेकिन हॉकिंग जो हमारा गार्डन है उसके साथ ये कोई ज़्यादा मतलब इधर उधर नहीं खेलता नहीं है, जाता नहीं है, ना ही उसके साथ रिंग का गेम खेलता है कि हमें रिंग फेंके और ये ले आए, तो और कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं हो रही है मेनली यहाँ पर ये बताया गया है। तो ये देखिए यहाँ पर ये हमने चैप्टर में भी जैसे पढ़ा, ये मिसेस पम्फ्री हैं, ये डॉक्टर हैं, ये जो ट्रिकी है इसकी देखिए चार टांगें ही दिख रही हैं और ये जीभ लटक रही है बाहर। So I tried to sound Severe. Now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. अब डॉक्टर बोलता है कि मैं आपको कुछ ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहता, लेकिन अगर आप इसके फूड में कमी नहीं करेंगी तो ये और ज़्यादा मतलब दिक्कत आने लगेगी इसको, इसको एक्सरसाइज नहीं करवाएंगी तो ये और ज़्यादा बीमार पड़ जाएगा। You must harden your heart and keep him on a very strict diet. अब आपको पत्थर दिल होना ही पड़ेगा, नहीं तो ये बीमार हो जाएगा और आपको स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी ही पड़ेगी। सो मिसेस पम्फ्री रंग हिज हैंड्स, ओ आई विल, अब मिसेस पम्फ्री अपने हाथों को हिलाकर कहती हैं कि हाँ हाँ ठीक है मैं करूँगी मिस्टर हैरेट, आई एम श्योर यू आर राइट, मैं मान रही हूँ कि आप बिल्कुल सही हैं, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बहुत 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 मुश्किल है। शी सेट ऑफ हेड डाउन अलॉन्ग द रोड एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रेजिम इन टू प्रैक्टिस इमिडिएटली। तो रेजिम क्या होता है, रेजिम होता है एक प्रकार का जैसे डाइट प्लान वगैरह होता है, मैनेजमेंट यानी कि व्यवस्था कह सकते हैं हम इसे। तो मिसेस पम्फ्री अपना सिर नीचे की तरफ करती हैं और फिर उसी टाइम रोड पर चलना शुरू कर देती हैं और कहती हैं कि अभी से इसको फॉलो किया जाए। सो आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीट कोट, ट्वीट कोट। अब टॉटरिंग का मीनिंग क्या होता है, टॉटरिंग होता है बी अनस्टडी यानी कि लड़खड़ा कर चलना। तो अब यहाँ पर बोल डॉक्टर बता रहे हैं कि मैं उसकी प्रोग्रेस को देख रहा था, ट्रिकी जो है अब लड़खड़ा कर चलने लगा था यानी कि उससे चला भी ढंग से नहीं जा रहा था। अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीट कोट यानी कि जो कोट उसको ऊपर से पहनाया गया था उसके साथ, ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, और उसके पास ऐसे बहुत श्योर कोट हैं फॉर द कोल्ड वेदर एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज। अब उसके लिए बताया डॉक्टर ने कि उसके पास गर्मियों के अलग कोट हैं, सर्दियों के अलग कोट हैं। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग इन इज हार्नेस, हार्नेस क्या होता है, तैयार करना यानी कि सामग्री तैयार करना किसी चीज़ की। तो डॉक्टर कहते हैं कि मुझे अब इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा तैयार। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्री, सॉरी यहाँ पर ये कहा गया है मिसेस पम्फ्री की बात कह रहे हैं कि मिसेस पम्फ्री से मैंने सुना था कि इसके पास अब ज़्यादा कपड़े नहीं बचे हैं, मेरे को तैयार करवाने पड़ेंगे इसके लिए। सो द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, अब डॉक्टर कहते हैं कि जैसे कि मुझे उम्मीद थी तो मिसेस पम्फ्री का कॉल आ ही गया ट्रिकी के लिए। मिसेस पम्फ्री वॉज डिस्ट्रॉफ, अब डिस्ट्रॉफ का मीनिंग क्या होता है, एंशियस या कन्फ्यूज या फिर परेशान कह सकते हैं आप। तो मिसेस पम्फ्री जो थी वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, क्योंकि अब ट्रिकी कुछ खा ही नहीं रहा था, रिफ्यूज एवरीथिंग इवन हिज फेवरेट डिशेज, अब ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था, अपनी फेवरेट डिशेज को भी रिफ्यूज़ कर रहा था, मना कर रहा था खाने से। एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, और उसे लगातार उल्टियाँ ही हो जा रही थी। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पेंटिंग, डिडंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, डिडंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग। अब मिसेस पम्फ्री डॉक्टर को बताती हैं कि वो अपना पूरा समय लेटे लेटे ही बिता देता है, हाँफता रहता है हर एक टाइम। पेंटिंग का मीनिंग होता है हाँफना।
पूरा टाइम हाँफता रहता है और लेटे रहता है, कुछ भी नहीं करता, वॉक पे भी नहीं जाता ट्रिकी, डॉक्टर को बताया जा रहा है ये। सो आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। अब डॉक्टर कहता है कि मुझे तो पता था ऐसा होने वाला है, इसलिए डॉक्टर ने पहले से ही अपने प्लान बना रखे थे। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। अब डॉक्टर कहता है कि एक ही तरीका ट्रिकी को ठीक करने का कि उसे कुछ समय के लिए घर से दूर रखा जाए। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। तो डॉक्टर कहते हैं कि इसको ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए आप मेरे पास छोड़ जाइए ताकि मैं इसे चेक कर सकूं, यहाँ पर इसे हमारे पास छोड़ जाइए। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वूंड। अब जो पुअर लेडी यानी कि मिसेस पम्फ्री होती हैं वो अपना मतलब कॉन्शियसनेस खो देती हैं। स्वूंड का मतलब होता है कॉन्शियसनेस खो देना यानी कि मूर्छित हो जाना, बेहोश हो जाना। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। अब मिसेस पम्फ्री कहती हैं कि मैं श्योर हूँ कि वो मुझे अगर डेली नहीं देखेगा तो वो ज़रूर ही मर जाएगा, मेरे को देखे बिना उसका दिन नहीं जाता। बट आई टुक अ फर्म लाइन। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। अब डॉक्टर कहता है लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है क्योंकि ट्रिकी बहुत बीमार हो चुका है और उसे बचाने का सिर्फ यही एक तरीका बचा है, और मैं तो कहता हूँ कि अगर आप इसे ज़्यादा डिले ना करें तो ही ज़्यादा अच्छा है। एंड फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रीज वेलिंग्स आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप इन अ ब्लैंकेट। और तब मिसेस पम्फ्री उसे लेकर आती हैं और फिर उसे कार से निकालता हूँ मैं, कार से एक मतलब ब्लैंकेट में देखता हूँ कि वो ब्लैंकेट में पड़ा है। द एंटायर स्टाफ So the entire staff was roused and maids rushed in and out bringing day bed, night bed, favorite cushions, toys, rubber drinks, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. As I moved off, Mrs. Pumphrey with a despairing cry threw an armful of the little coats through the window. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. तो अब यहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि जब वो पंप ट्रिकी को वहाँ से लाया जा रहा था तो मैंने देखा कि पूरा स्टाफ जो है वो इधर उधर भाग रहा है, दौड़ रहा है, कोई डे बेड लेकर आ रहा है ट्रिकी का, कोई नाइट बेड, कोई फेवरेट कुशन्स है उसके, जो टॉयज़, रबर ड्रिंक्स, ब्रेकफास्ट का उसका अलग बाउल था, लंच का अलग बाउल था, डिनर का यानी कि सफ़र का अलग बाउल था। तो ये देखकर मैं थोड़ा चिंतित हो गया, मैंने देखा कि ये सारा सामान तो मेरी कार में आएगा नहीं, तो मैं अपनी कार को ऑलरेडी ड्राइव करना शुरू कर चुका था धीरे धीरे, और मेरे पीछे पीछे मैंने देखा कि मिसेस पम्फ्री जो है वो रोने लग गई थी और विंडो से उन्होंने कुछ कोट वगैरह भी ट्रिकी के फेंके बाहर यानी कि मेड्स को दिए कि इसे भी रखो उन सामान में। तो जैसे ही मैंने मिरर में देखा और थोड़ा कॉर्नर तक ही गया था गली के, तो ये देखा मैंने कि सारे के सारे लोग रो रहे थे घर के, यानी कि ये ट्रिकी की बातचीत की जा रही कि ट्रिकी को वहाँ से ले जाया जा रहा था घर से, तो सारे रोने लग गए थे। आउट ऑन द रोड आई ग्लैंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल। पुअर ऑल्ड लैड, आई सेड, यू हैवंट अ किक इन यू, बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। अब वहाँ पर आगे का सीन बताते हैं कि जब वहाँ से निकल पड़े थे तो देखा उन्होंने कि एक साइड जो मतलब छोटा सा एनिमल बैठा है यानी कि वो ट्रिकी बैठा है, वो एक तो निराश हुआ पड़ा, पैथेटिक हुआ पड़ा और गैस्पिंग कर रहा है यानी कि हाँफ रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उससे कुछ खाया भी नहीं जा रहा था और वो हाँफ रहा था पूरी तरह से, क्योंकि वो अब एक गुब्बारे की तरह, सॉसेज की तरह बन चुका था। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल। अब मैंने ट्रिकी के सिर पर हाथ रखा, उसे पैट किया और उसके बाद उसने अपनी पूँछ हिलाई, तो मैंने देखा कि ये बेचारा मतलब कोशिश तो करना चाह रहा पर कर नहीं पा रहा। लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि लेकिन मेरे पास भी इसका भी एक इलाज है। सो एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज अराउंड मी। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइसी पैक विद डल आइज एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट। अब मैंने देखा कि सर्जरी के लिए जब उसे लाया गया था तो उसे बाकी डॉग्स के साथ रखा गया, तो बाकी डॉग्स तो मेरे चारों तरफ आ गए थे लेकिन ट्रिकी जो है वो पूरी अपनी डल आइज के साथ बैठा था वहाँ पर और एक टाइम पर वो कारपेट पर मोशनलेस लेट गया। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। तो जब ट्रिकी के चारों ओर सभी डॉग्स ने घूम लिया और देखा कि ये तो कुछ मूवमेंट कर नहीं रहा, तो सभी डॉग्स ने क्या समझा कि ये तो कोई अनइंटरेस्टिंग यानी कि इसमें कोई इंटरेस्ट लेने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही फालतू का है।
सो आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट। तो अब डॉक्टर बताते हैं कि मैंने उसके लिए अलग से एक बेड बनाया जैसे कि सभी डॉग्स के लिए बना हुआ था। तो मतलब एक जैसे कार्टून वगैरह बॉक्स होता है वही उनका बेड बना रखा था और मतलब उसी में उनको लिटाते थे, उसी में उनको सोना पड़ता था डॉग्स को, और वहीं पर ट्रिकी का भी बेड लगाया गया। फॉर टू डेज़ आई केप्ट एन आई ऑन हिम गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। अब डॉक्टर कहते हैं कि दो दिन तक तो मैंने उस पर नज़र रखी, पैनी नज़र रखी, अच्छे से नज़र रखी, उसे कुछ खाने को नहीं दिया लेकिन पीने को पानी दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स एंड द ऑन द थर्ड ही बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड। अब डॉक्टर बताते हैं कि दो दिन तक तो उसने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया आसपास की चीज़ों में, लेकिन तीसरे दिन उसने कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लेना शुरू किया, विम्पर करना यानी कि भौंकना शुरू किया जैसे डॉग बाग करते हैं उस तरह से, और बाकी डॉग्स के साथ खेलने लगा। व्हेन आई ओपन द डोर ट्रिकी ट्रॉटेड आउट एंड वॉज इमीडिएटली एनगल्फ्ड बाय जॉय द ग्रेहाउंड एंड हिज फ्रेंड्स। अब डॉक्टर कहते हैं कि जैसे ही मैंने गेट खोला तो ट्रिकी ट्रोटर्ड आउट का मतलब क्या होता है, घिस घिस कर आगे बढ़ना यानी कि धक्के से ऐसे खुद को खिसका रहा है जैसे ट्रिकी वैसे बाहर आ रहा था। एंड वॉज इमीडिएटली एनगल्फ का मतलब क्या होता है, टू कवर और सराउंडेड कम्प्लीटली। तो वो पूरी तरह से जोए से पूरी तरह से कवर हो चुका था यानी कि जोए यहाँ पर वो खेलने कूदने वाला जोए नहीं है, दूसरा पर्सन जैसे नेम होता है उस तरह का जोए ये नेम है। तो जोए जैसे अदर डॉग था और उसके बाकी फ्रेंड्स थे उनके साथ एंगल्फ्ड यानी कि पूरी तरह से उन्होंने घेर लिया था। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रूली इंस्पेक्टिंग हिम द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। अब सभी डॉग्स ने उसको जैसे इंस्पेक्ट कर लिया, अच्छे से देख लिया, तो सारे डॉग्स क्या है गार्डन की तरफ मूव करने लगे। ट्रिकी फॉलोड देम, तो ट्रिकी ने भी उनको फॉलो किया रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरपाउस फैट। अब ट्रिकी भी उनको फॉलो कर रहा था लेकिन धीरे धीरे चल रहा था क्योंकि उसका फैट बहुत ज़्यादा हो चुका था, इस वजह से वो घिस घिस कर चल रहा था। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। अब अगले दिन जब उनको फीड किया जा रहा था यानी कि खाने के लिए कुछ ना कुछ दिया जा रहा था तो मैं भी वहीं पर था। डॉक्टर ये बता रहे हैं आई वॉज वाइल्ड ट्रिस्टन स्लॉप्ड द फूड इन टू द बाउल्स देयर वॉज द यूजुअल हैंड लॉन्ग रश फॉलोड बाई द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर he was liable to have some competition for the last part of his meal. अब वहाँ पर खाने के टाइम तो सभी के बीच एकदम से भगदड़ सी मच जाती थी डॉग्स के बीच में, क्योंकि वहाँ पर सभी को यह पता होता था सभी डॉग्स को कि अगर मैं खाने में देरी करूँगा तो मुझे बाद में खाना लेने में दिक्कत आएगी, इसलिए सभी अपना जल्दी जल्दी से मील खाते रहते थे और हाई स्पीड ईटिंग की आवाज़ आती रहती थी वहाँ पर। सो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर एक मूवी दिखाया गया है कि यहाँ पर ये डॉक्टर खड़े हैं और यहाँ पर ये सभी डॉग्स जो हैं वो इधर उधर भाग रहे हैं मील के लिए। व्हेन दे हैड फिनिश्ड ट्रिकी लुक अ वॉक अराउंड द शाइनी बाउल्स लुकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम। अब वो कहता है कि जैसे सभी ने फिनिश कर लिया था ट्रिकी जो है वो सभी ट्रिकी टुक अ वॉक अराउंड द शाइनिंग बाउल्स। तो ट्रिकी जो है वो उन शाइनिंग बाउल्स के तरफ एक राउंड लगाता है यानी कि उसकी तरफ चक्कर लगाता है लाइकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, और उनमें से एक या दो में से जो बचा कुचा खाना होता है उसे चाटता है, लिक करता है। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट। और डॉक्टर कहते हैं कि अगले दिन फिर मैंने एक एक्स्ट्रा बाउल रखवा दिया था और ये देखकर तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ट्रिकी ने उसमें से बहुत ही खुश होकर खाना खाया। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, और उस दिन के बाद उसकी प्रोग्रेस तेज़ हो चुकी थी। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमिंग्स। ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बींग बाउल्ड ओवर ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स। अब उसके बाद से वो ट्रिकी की जो स्पीड थी वो रैपिड हो चुकी थी यानी कि प्रोग्रेस अच्छे से हो रही थी। उसे कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था, बस बाकी डॉग्स की तरह ही नॉर्मल ट्रीटमेंट दिया गया था जैसे नॉर्मली उसे रखा गया था। कोई भी इंजेक्शन वगैरह कुछ नहीं दिया गया जिससे कि वो ठीक हो, बस उसे नॉर्मल बिहेव करने के लिए रखा गया था वहाँ पर। तो वो भी बाकी डॉग्स के साथ खेलता था, इधर उधर दौड़ता था, भागता था, उनके साथ मस्ती करता था जैसे जैसे बाकी डॉग्स करते थे। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर द शेयर
for the share at meal times and hunting rats in the old hen house at night. He had never had such a time in his life. अब आगे डॉक्टर बताते हैं कि अब उसकी रिकवरी अच्छे से हो रही थी, अब वो उस डॉग्स की फैमिली का मेंबर भी बन चुका था, गैंग का मेंबर बन चुका था वो, मतलब काफ़ी सिल्की सा था और बाकी जो थे वो थोड़े शैगी टाइप के थे। तो जैसे बाकी जो डॉग्स हैं वो भागते रहते थे मील के टाइम में, अब ट्रिकी ने भी वैसे भागना शुरू कर दिया था। मील के लिए भगदड़ मचती थी अब इनके बीच में भी, और रात को चूहों के लिए भगदड़ मचती थी यानी कि चूहे खाने के लिए। और ट्रिकी के लिए इस तरह का टाइम आज तक नहीं आया था, यानी कि ये इसका फर्स्ट टाइम था इतनी मस्ती वाला। ऑल द वाइल मिसेस पम्फ्री होवर्ड एंशियसली इन द बैकग्राउंड रिंगिंग डजन टाइम अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स। और इस पूरे समय में मिसेस पम्फ्री जो है वो बहुत ज़्यादा चिंतित थी। क्यों चिंतित थी? क्योंकि उन्हें ट्रिकी की फिक्र थी। वो दिन में लगभग डजन बार यानी कि लगभग 12-13 बार फ़ोन करती थी और लेटेस्ट अपडेट लेती रहती थी। आई डॉज द क्वेश्चन अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वॉन अकॉर्डिंग टू द वेदर, बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वेल्सिंग रैपिडली। अब कन्वेंसलिंग का क्या मतलब होता है? रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस। तो डॉक्टर मिसेस पम्फ्री पूछती थी कि क्या वो ट्रिकी ने अपना कोट वेदर के अकॉर्डिंगली पहन रखा है, यानी उसके सही क्वेश्चंस उसे दिए गए हैं या नहीं, यानी कि सारी रिपोर्ट मिसेस पम्फ्री लेती थी। तो डॉक्टर सिर्फ यही जवाब देते थे कि वो अब ठीक है, वो अच्छे से रिकवर कर रहा है, उसकी रिकवरी जो है वो तेज़ी से हो रही है। सो द वर्ड कन्वेंसलिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पम्फ्री। और ये वर्ड कन्वेंसलिंग सुन के मिसेस पम्फ्री को कुछ ना कुछ होता था। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 dozen एट अ टाइम टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ। तो मिसेस पम्फ्री ने क्या किया, फिर से ट्रिकी के लिए फ्रेश एग्स भेजने शुरू कर दिए थे 2 dozen एट अ टाइम, यानी कि वो दिन में लगभग 2-3 बार उसके लिए खाना आता था ट्रिकी के लिए, जिसमें से हर एक बार 2 dozen अंडे तो आते ही थे टू बिल्ड ट्रिकी स्ट्रेंथ, क्योंकि मिसेस पम्फ्री चाहती थी कि ट्रिकी की स्ट्रेंथ बनी रहे। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs, रियल पॉसिबिलिटी ऑफ द सिचुएशंस बिगिन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड। तो अब डॉक्टर कहते हैं कि ये हमारे लिए अच्छी बात थी, क्योंकि जब भी बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन ओके, तो वो मिस डॉक्टर कहते हैं कि हमारे पार्टनर्स के लिए और मेरे लिए हमेशा एग्स आते रहते थे। एक्चुअली वो पंप ट्रिकी के लिए आते थे, लेकिन खाते ये सब थे डॉक्टर और उनके साथ ही, और वाइन की बॉटल्स भी आती थी। और जब भी वाइन की बॉटल आती थी तो हम बहुत मस्ती करते थे, यानी कि उस दिन तो हमारे मज़े ही हो जाते थे खाने के। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड। अब ये तो आते तो ट्रिकी के ब्लड को एनरिच करने के लिए थे। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। तो डॉक्टर कहते हैं कि हमारा लंच तो शानदार होता था, जैसे सेरेमनी वगैरह का ओकेजन होता है तो उसके साथ हमारे 2 wine के glass होते ही थे हमारे लिए, क्योंकि वो आते तो ट्रिकी के लिए थे लेकिन यूज़ हम करते थे। एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, और मील के टाइम भी हम कुछ ना कुछ यूज़ करते थे उसमें से। वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड इन हेड एंड रिवेंटली ड्रंक। और डॉक्टर कहते हैं कि मुझे तो बिलीव नहीं होता कि हमारे वो क्या मस्ती के दिन थे, यानी कि ट्रिकी के लिए जो चीज़ आती थी वो हम यूज़ करते थे, ट्रिकी के लिए ब्रांडी आती थी वो हम पीते थे, अपनी मस्ती करते थे, और कुछ रातों के लिए तो हमारी चांदी हो गई थी, यानी कि हम मस्ती से अपना खाते पीते थे। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, यानी कि वो हमारे लिए बहुत गहराई के दिन थे, मस्ती के दिन थे। स्टार्टिंग वेल विद एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन, एंड फिनिश्ड लग्जूरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी। अब डॉक्टर बता रहे हैं कि हमारा दिन शुरू होता था एक्स्ट्रा एग्स के साथ, दोपहर के समय हमें एक्स्ट्रा वाइन मिल जाती थी पीने को, और रात के समय हमारे पास आग के पास बैठकर पीने के लिए ब्रांडी होती थी, यानी कि हमारी रात कैसे ख़त्म होती थी ब्रांडी पीकर। नाउ इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, बट आई न्यू मिसेस पम्फ्री वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फॉर्टनाइट फेल्ट कंपेल्ड टू फोन and tell her that the little dog has recovered and was awaiting collection. अब यहाँ पर बताया गया है कि ट्रिकी को रखना तो वो चाहते थे डॉक्टर हैरेट, यानी कि मिस्टर हैरेट ट्रिकी को रखना तो चाहते थे परमानेंट गेस्ट की तरह, क्योंकि उन्हें फूड वगैरह की काफ़ी भरपूर मात्रा में ब्रांडी वगैरह भी मिल रही थी, फूड भी अच्छे से मिल रहा था।
बट आई न्यू मिसेज पम्फ्री वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फॉर्टनाइट फेल्ट कंपेयर्ड टू फोन। लेकिन मुझे अब ये भी फील होने लगा कि मिसेज पम्फ्री जो हैं वो भी सफ़र कर रही हैं इससे दूर रहकर, यानी ट्रिकी से दूर रहकर। तो अगली रात ही मुझे मिसेज पम्फ्री को फ़ोन करना पड़ा कि आपका जो डॉग है वो रिकवर हो चुका है और अब आप उसे ले जा सकती हैं। विद इन मिनट्स आफ्टर अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रॉ अप आउटसाइड द सर्जरी। अब लगभग कुछ ही मिनटों बाद ही मेरी जो सर्जरी है यानी कि मेरे हॉस्पिटल के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी आकर खड़ी हुई। द चौफर ओपन द डोर एंड चौफर यानी कि नौकर होता है, चौफर ने गेट ओपन किया एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्री। और मैंने पाया कि वहाँ पर मिसेस पम्फ्री हैं उस गाड़ी में, ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, यानी कि अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी हैं वो। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्ड इन द फ्रंट ऑफ हर, हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनके हाथ वगैरह ऐसे मतलब वो एकदम से घबराई हुई सी हैं, उनके लिप्स जो हैं वो कांप रहे हैं यानी कि वो डरी हुई भी हैं। ओ मिस्टर हैरिट डू टेल मी द ट्रूथ, इज़ इट रियली बेटर। और वो पूछती हैं कि मिस्टर हैरिट प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या सच में मेरा ट्रिकी जो है वो ठीक हो चुका है अब। येस ही इज़ फाइन। तो डॉक्टर कहते हैं जी हाँ बिल्कुल वो ठीक हो चुका है, देर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फैच हिम। और वो कहते हैं कि आपको कार से उतरने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, आप बैठे रहिए, आपके लिए मैं उसे ले आता हूँ। आई वॉक थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन। अब डॉक्टर या मिस्टर हैरिट कहते हैं कि मैं गार्डन से होते हुए घर के अंदर गया। अ मास ऑफ डॉग्स वॉज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन एंड इन देयर मिडस्ट ईयर्स फ्लैपिंग टेल वेविंग वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। और वहाँ पर बताते हैं मिस्टर हैरिट या डॉक्टर हैरिट कि वहाँ पर बहुत सारे डॉग्स थे जो इधर उधर घूम रहे थे लॉन के अंदर, उनके बीचों बीच वहाँ पर एक फ्लैप करता हुआ अपनी टेल पूंछ को हिलाता हुआ एक फिगर दिखाई दे रहा था जो कि ट्रिकी का फिगर था, यानी कि ट्रिकी वहाँ पर था। इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लीथ हार्ड मसल्ड एनिमल। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक स्ट्रेचिंग आउट इन द ग्रेट बाउंड्स। His chest almost brushing the ground। तो अब बताया गया कि लगभग 2 हफ्तों के अंदर ट्रिकी जो है एक लीथ के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुका था, यानी कि एक ऐसा फिगर बन चुका था जो क्विकली मूव कर सकता है, स्मूथली मूव कर सकता है, हार्ड मसल्ड एनिमल बन चुका था, यानी कि उसकी हड्डियां बाहर दिखने लगी थी, यानी कि अब उसका फैट जो है वो कम हो चुका था और अब वो अच्छे से भाग रहा था। आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पासेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस। अब डॉक्टर कहते हैं कि मैं उसे पासेज से यानी कि गेट से घर के बाहर की तरफ लाया, घर के बाहर की तरफ लाया यानी कि फ्रंट की तरफ लाया। द चौफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर। अब चौफर ने यानी कि नौकर ने अभी भी वो गेट पकड़ा हुआ है कार का। एंड व्हेन ट्रिकी सो हिम, और ट्रिकी ने जैसे ही मिसेस पम्फ्री को देखा, ही टुक ऑफ माई आर्म्स इन अ ट्रिमेंडियस लीप एंड सेल्ड इनटू मिसेस पम्फ्रीज लैप। तो एकदम से उसने मेरे हाथों से छलांग लगाई और मिसेस पम्फ्री की गोद में भाग गया। शी गेव अ स्टार्टल्ड ओ, और वो एकदम से वहाँ पर जाकर बहुत खुश हुआ। एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ एज ही स्वार्म्ड ओवर हर, लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग। और इस वजह से उन्हें थोड़ा संभलना भी पड़ा मिसेस पम्फ्री को, क्योंकि वो उन्हें चाटने लग गया था, एकदम से भौंक भी रहा था, यानी कि वो मतलब काफ़ी खुश हो गया था, एक्साइटेड हो गया था। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द चौफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स टॉयज कुशंस कॉट्स एंड बाउल्स नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड। और उसी एक्साइटमेंट के बीच डॉक्टर खुद जो हैं यानी कि मिस्टर हैड जो हैं वो चौफर की मदद कर रहे थे बेड को लाने में, टॉयज़ को लाने में, कुशंस जो कॉट्स वगैरह बाउल्स वगैरह सारा कुछ आया था ट्रिकी का सामान वो वापस कार में रखने लग गए थे और उनमें से कुछ भी यूज़ नहीं हुआ था। एज द कार मूव्ड अवे मिसेस पम्फ्री लीन्ड आउट ऑफ द विंडो। और जैसे ही कार थोड़ी सी चलने लगी मिसेस पम्फ्री ने बाहर की तरफ देखा, टीयर शोन्स इन हर आइज हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे, उनके होंठ भी कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरिट शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू। और वो कहती है कि मिस्टर हैरिट मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं, यानी कि वो कार के अंदर से ही जोर से चीखी। दिस इज़ ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, ये मतलब बहुत शानदार सर्जरी है। तो ये सर्जरी किसकी हुई, ट्रिकी की सर्जरी हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। जेम्स हैरिट की ये स्टोरी है, ऑथर भी यही है, नरेट भी इन्होंने की है स्टोरी, एज अ डॉक्टर ये नरेट की गई स्टोरी है। और इसके कैरेक्टर वगैरह भी याद कर लीजिएगा क्योंकि MCQ बेस्ड हो चुके हैं लगभग आपके क्वेश्चंस, तो MCQ भी पूछे जा सकते हैं आपसे। तो इन सभी कैरेक्टर्स के नाम भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे रहा हूँ, वो चेक कर लीजिएगा, उसमें आपको सभी चैप्टर्स के नेम वगैरह, सभी चैप्टर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, यानी कि एक ही प्लेलिस्ट के अंदर सभी चैप्टर मिलेंगे, उसी में क्वेश्चन आंसर वगैरह भी मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन का लिंक भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।